वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है 30 डेज 30 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया सीरीज। ये है सीरीज की फोर्थ सिटी मथुरा का पार्ट 2। तो चलिए करते हैं पूरी श्री कृष्ण की इस नगरी की कहानी। परंपरागत रूप से ये माना जाता है कि शत्रुघ्न ने मधुवन के स्थल पर यादव लवण की हत्या के बाद इसकी स्थापना की थी। रामायण के अनुसार इसकी स्थापना मधु, जो यदु जनजाति के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने की थी। बाद में मधु के पुत्र लवणासुर को शत्रुघ्न ने पराजित किया। मधु का कहना था कि मथुरा का सारा क्षेत्र अब हीरो का है। मथुरा, जो ब्रिज के सांस्कृतिक क्षेत्र के केंद्र में स्थित है, इसे कृष्ण की मातृभूमि और जन्म स्थान भी माना जाता है। मथुरा संग्रहालय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पट्टिका के अनुसार शहर का उल्लेख सबसे पुराने भारतीय महाकाव्य रामायण में किया गया है। महाकाव्य में इक्ष्वाकु राजकुमार शत्रुघ्न लवणासुर नामक राक्षस का वध करते हैं और इस भूमि पर दावा करते हैं। बाद में इस स्थान को मधुवन के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि ये घने वृक्षों से युक्त था। फिर मधुपुरा के नाम से और बाद में मथुरा के नाम से। मथुरा में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल कटरा था, जिसे अब कृष्ण जन्म स्थान कहा जाता है। साइट पर खुदाई से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तनों और टेराकोटा का पता चलता है। एक बड़े बौद्ध परिसर के अवशेष, जिनमें गुप्त काल के यश विहार नामक एक मठ, साथ ही उसी युग की जैन मूर्तियां भी शामिल हैं। मथुरा में पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि वैदिक युग के दौरान एक गांव का धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में विकास हुआ। प्रारंभिक काल पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर से संबंधित था। इसके बाद नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर था। मथुरा ने अपने स्थान के कारण व्यापार के केंद्र के रूप में अपना महत्व प्राप्त किया, जहां भारत गंगा के मैदान का उत्तरी व्यापार मार्ग मालवा और पश्चिमी तट के मार्गों से मिलता था। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने राखीगढ़ी से मथुरा लाल बलुआ पत्थर के एक टुकड़े की खोज की है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की एक साइट, जिसे पीसने के पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लाल बलुआ पत्थर भी ऐतिहासिक काल की मूर्तियों के लिए एक लोकप्रिय सामग्री था। 6th सेंचुरी BCE तक मथुरा सुरसेन साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। शहर पर बाद में मौर्य साम्राज्य 4वीं से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का शासन रहा था। मेगस्थनीज 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मथुरा का उल्लेख मैथोरा के नाम से एक महान शहर के रूप में करते हैं। ऐसा लगता है कि ये कभी भी शुंग वंश के सीधे नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि मथुरा में शुंग उपस्थिति का एक भी पुरातात्विक अवशेष कभी नहीं मिला था। इंडो यूनानियों ने 180 BCE और 100 BCE के बीच मथुरा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किया हो सकता है। और यवन राज्य शिलालेख के अनुसार 70 BCE तक बना रहा, जो मघेरा शहर में पाया गया था। ब्राह्मी लिपि में इस शिलालेख के 3 पंक्ति के पाठ का अनुवाद इस प्रकार है: यवन साम्राज्य के 116वें वर्ष में, या यवन आधिपत्य के 116वें वर्ष में यवन राज्य। हालांकि ये मथुरा में स्थानीय शासकों के मूल मित्र वंश की उपस्थिति से भी मेल खाता है। लगभग उसी समय सीमा में, यानी कि 150 BCE से 50 BCE में, संभवतः इंडो यूनानियों के साथ एक जागीरदार संबंध की ओर इशारा करता है। स्थानीय शासन की अवधि के बाद पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इंडो सीथियन द्वारा मथुरा पर विजय प्राप्त की गई थी। मथुरा के इंडो सीथियन श्रतपों को कभी कभी उत्तरी श्रतप कहा जाता है, जो गुजरात और मालवा में पश्चिमी श्रतपों के शासन के विपरीत है।
महान कुषाणों के शासन के दौरान कला और संस्कृति इस क्षेत्र में फली फूली और नई ऊंचाइयों पर पहुंची और अब इसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। कुषाणों ने महाश्रतप सुडासा के कुछ समय बाद मथुरा पर अधिकार कर लिया। मथुरा कला और संस्कृति कुषाण वंश के तहत अपने चरम पर पहुंच गई। महान कुषाण सम्राट कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव के युग के दौरान मथुरा आर्ट वर्कशॉप्स सबसे ज्यादा सक्रिय थे। इनका शासनकाल मथुरा मूर्तिकला के स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी शताब्दी के दौरान कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद नाग वंश ने मथुरा पर शासन किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कटरा केशव देव के स्थान पर विष्णु का एक भव्य मंदिर बनाया गया था। चीनी बौद्ध भिक्षु फैक्सियन ने शहर का उल्लेख बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में किया है। 1018 CE में महमूद गजनवी द्वारा शहर को बर्खास्त कर दिया गया था और इसके कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। पुर्तगाली फादर एंटोनियो मोंजरेट, जो अकबर के समय में मुगल दरबार में एक जेसुइट मिशन पर थे, उन्होंने 1580 से 1582 में मथुरा दौरा किया और उस दौरान उन्होंने नोट किया कि सभी मंदिर जो कृष्ण के कर्मों से जुड़े थे वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के निकट एक हिंदू मंदिर के ऊपर मानी जाती है। उन्होंने शहर का नाम भी बदलकर इस्लामाबाद कर दिया। मुस्लिम विजय के परिणाम स्वरूप मथुरा और उसके आसपास के सभी बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों और स्मारकों को नष्ट कर दिया गया। बौद्ध धर्म, जो पहले से ही पतन की ओर था, कभी भी पुनर्जीवित नहीं हुआ और अगले 400 वर्षों तक जैन और हिंदू ऐसे किसी भी मंदिर का निर्माण करने में असमर्थ रहे जो देर सबेर ध्वस्त ना हुआ हो। ये थी हमारी सीरीज की फोर्थ सिटी मथुरा का पार्ट 2। स्टे कनेक्टेड फॉर रिमेनिंग 26 सिटीज। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। हैप्पी लर्निंग।